गाने का नाम है लखनऊ हिला दे, तू लखनऊ हिला दे, तू लखनऊ हिला दे, ठीक है। तो बेसिकली आप कोई भी पार्टी में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, आपको कमर तो हिलानी हिलानी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड वन लाइन फॉर अ सॉन्ग एंड अ सॉन्ग विच हैज बीन विच विल बी इन ऑल द पार्टीज वंस इट रिलीज टुमारो। सो कल ये गाना रिलीज होगा और उसके बाद में हर एक पार्टी में बजेगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा शुरुआत है 2021 में। तो आई थिंक इसके बाद कल गाना रिलीज होगा, उसके बाद में सब लख हिलाएंगे। तो तू लखनऊ हिला दे। सर हमने देखा कि दो लेडीज भी है साथ में, थोड़ा सा बताइए उन दोनों के बारे में और अगर इंट्रोड्यूस कर पाए। गाइज ये है हमारे सोनिया जी जिनके ऊपर तू लखनऊ हिला दे गाना पूरा फिल्माया गया है एंड उन्होंने काफ़ी मेहनत करी हुई है एंड शी इज डन अ वेरी गुड जॉब। मीन एज अ फर्स्ट टाइम समवन कमिंग आउट एज एन आर्टिस्ट एंड डूइंग अ डांस म्यूजिक वीडियो, इट्स लाइक रियली हैट्स ऑफ टू हर एफर्ट्स। तो मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग गाना पसंद करें और ये गाने को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको स्प्रेड करें हर जगह पे। सो सबका लक खेलना चाहिए ना फिर। एंड आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। अमेजिंग कोरियोग्राफर हैं और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं सॉन्ग एक एल्बम कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि हम सभी घर के ही लोग हैं। अच्छे डायरेक्टर भी हैं, अच्छे कोरियोग्राफर भी हैं और वो मतलब वो सिखाते भी एकदम अच्छे से। ऐसा लगता नहीं है कि यार दबाओ यार ये करो करो करो, नहीं जितना तुम्हें आ रहा है इतना करो। बट फाइनली मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं कर पाऊँगी, बट फाइनली कर लिया और काफ़ी अच्छा सॉन्ग बनाए तू लखनऊ हिला दे। और आप लोग भी ऐसे जैसे हमने पसंद किया, जैसे हमने मेहनत किया, ऐसे आप लोगों को भी पसंद आए। आई होप कि आप लोग भी उसको लाइक करो और शेयर करो। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इन्होंने भी काफ़ी अच्छा लिखा है। इनका नाम है क्रांति जी, क्रांति क्रांति, एक्चुअली इनका नाम मैं बार बार भूल जाती हूँ। इनने बहुत अच्छा लिखा भी है और अच्छा लिखती भी हैं। और म्यूजिक डायरेक्टर है, आप देख ही लेना कि कितना अच्छा सॉन्ग बनाया है उन्होंने। और सबसे पहले तो अच्छा लिखेंगे तब जाके अच्छा बनेगा, ये तो सबको ही पता है कि अच्छा उन्होंने लिखा है इसीलिए अच्छा बना है। कितने बहुत सारे सॉन्ग मुझे सुनाया गया बट ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद आया तो फाइनली ये सॉन्ग कर लिया। और ये गुरमीत जी पहली बार मुझे मिली हैं, फर्स्ट टाइम हमने साथ में काम किया और उनने भी काफ़ी अच्छा काम किया। अच्छा अच्छी एक्ट्रेस हैं वो भी। और इसके सिवाय भी अभी हमारे साथ नहीं हैं तरुण जी, तरुण अच्छे डांसर है, काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हुए उनने और उनने भी काफ़ी मुझे हेल्प किया, सॉन्ग में भी हेल्प किया, इसके सिवाय डांसिंग में भी उनने भी काफ़ी हेल्प किया। वो भी अच्छे एक्टर भी है, अच्छे कोरियोग्राफर भी अच्छे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे डांसर हैं कि आई मिस यू। तो बीइंग अ डायरेक्टर आई मीन सबको एक साथ लेके चलना, यू नो एज अ टीम सबको सेट पे और उस तरीके से काम करना या काम निकलवाना टू बी प्रिसाइज, ये क्या डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू? और आई मीन यू डिड इट विद होल हार्टेडली, मतलब एकदम एकदम अच्छे खुल के माहौल में वैसे हुआ ये? बेसिकली हमारा प्रीपरेशन बहुत स्ट्रांग था तो उस वजह से जब हम लोग शूट कर रहे थे हमारे लिए सारी चीज़ आसान हो गई थी। तो बेसिकली एज अ कोरियोग्राफर एंड एज अ डायरेक्टर आई हैड लिटिल डिफिकल्टी इनिशियली वाइल ट्रेनिंग सोनिया एंड बट देन हर एक काम की शुरुआत होती है तो आप पहले फर्स्ट कदम पे हो बाद में दूसरे कदम पे। सो देन विद द प्रोसेस हमने उनको टाइम दिया। बेसिकली हमने ऐसा नहीं कहा कि नहीं आपको एक दिन में ही ये गाना आप सीख लो और कल डांस करो, वैसा नहीं, हमने उनको टाइम दिया। इनफैक्ट 5 दिन की रिहर्सल हमने 10 या 12 दिन के पीरियड में करी। बिकॉज क्या होता है कि आप कोई भी स्टेप सीखते हो तो वो स्टेप को आप अपने अंदर बॉडी में लाने के लिए आपको 1-2 दिन लगते हैं। तो हमने एक बार उनको ट्रेन किया, फिर उनको 1-2 दिन ब्रीदर दिया, वापस उनको ट्रेन किया, ऐसे ट्रेन करते 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 उनको वो मोड तक लेकर के आए जहाँ पर उनको एकदम कंफर्ट महसूस हो, कैमरे के सामने वो परफॉर्म कर सके और बहुत ही अच्छी तरह से डांस कर सके।
सो ये एफर्ट हमारे लिए लिटिल चैलेंजिंग था इनिशियली, बट देन फाइनली इट केम आउट टू अ परफेक्ट परफॉर्मेंस बाय हर आई गेस ड्यूरिंग द शूट. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली द डीओपी, द मेकअप आर्टिस्ट, द कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर तरुण, इनफैक्ट इनके जो को स्टार थे, एवरीबडी वर अमेजिंग विद देयर जॉब. तो इन द एंड मुझे तो ये लगता है कि एज ए डायरेक्टर अगर आपके पास अव्वल दर्जे के टेक्नीशियन हो तो आपका काम बहुत ही आसान होता है. और आई थिंक ऑन द डे ऑफ द शूट मुझे ऐसे ही लगा कि मैं किस लिए आया हूँ आज यहाँ पर. बट एनी वे एवरीबडी डिड अ वेरी गुड जॉब एंड दे पुल्ड आउट अ वेरी गुड म्यूजिक वीडियो. सर ने काफी मुझे हेल्प किया. ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव कोरियोग्राफर और सेट पे इन्होंने बहुत ही एज ए फैमिली मेम्बर इन्होंने मुझे गाइड किया. और ये कैमियो मेरा चूज़ करने का रीज़न सिर्फ यही था कि मैं ये ट्रिनिटी स्टूडियो के साथ दो और फिल्में कर रही हूँ एज ए लीड, तो इसी वजह से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ और कहीं ना कहीं मुझे इन लोगों के साथ जुड़ के बहुत ही अच्छा लगा. जैसे लिरिक्स की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई है, थोड़ा सा आप बताइए हमारी ऑडियंस को कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी प्रिपरेशन की लिरिक्स के. एक्चुअली क्या होता है जब हम लोग लिखते हैं तो कभी ऐसा होता है कि जो म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं वो पहले से अपनी एक ट्यून बनाते हैं, तो ट्यून के साथ हमें कभी काम करने को मिलता है और कभी हमारे लिरिक्स पे ट्यून की जाती है. तो जैसे प्रवीण सर हैं, हमने पहले भी बहुत काम किया है, फिल्म के लिए भी मैं लिख चुकी हूँ सर के लिए और भी हम लोग कर भी रहे हैं. और इस गाने के लिए सर ने पहले से कंपोजिशन रेडी किया था और मुझे बुलाया इन्होंने, फिर उसके बाद में सुना मैंने कंपोजिशन, काफ़ी अच्छा लगा. और एक जो राइटर होता है वो तभी अच्छा लिख सकता है जब उसे म्यूज़िक की धुन पहली बार में पसंद आ जाए. और जैसे ही मतलब मैंने सुना, रिकॉल हुआ मुझे और जब धुन सुनी तो फिर लिरिक्स अपने आप निकलते चले गए और फिर लिखा और फिर इस तरीके से. खैर बाद में और भी चेंजेस वगैरह हुए जो किया हमने और फिर इस तरीके से अच्छे से गाना बन गया. जी आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा. सर बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया ट्रिनिटी स्टूडियो के साथ काम करके और सोनिया जी के साथ काम करके, सर के साथ काम करके, नीतू जी के साथ काम करते रहते हैं, हर बार मज़ा आता है, हर बार कुछ नया 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 लिरिक्स आता है. तो और भूमि त्रिवेदी ने गाया वो गाना तो वो मेरे लिए बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि एक अच्छी सिंगर क्या होता है, जब गाना आप बनाते हो ना तो गाने का वैल्यू डबल तब हो जाता है जब उसका सिंगर अच्छा हो. अगर सिंगर है ही अच्छा तो वो एक गाना मतलब कितना अच्छा कंपोजिशन हो, कितने अच्छे लिरिक्स हो, अगर वो गाना अच्छा गाया नहीं गया, उसका सिंगर थोड़ा सा दौर ऐसा ही हुआ तो गाना मर जाता है और डबल वैल्यू फिर बढ़ जाता है. उससे भी ज़्यादा वैल्यू तब बढ़ जाता है जब उस गाने का वीडियो और अच्छा बन जाए, उसको सिंगर अच्छा गाए और उसका वीडियो और अच्छा बन जाए तो वो चार चांद लग जाता है. तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और बहुत ही खुश हूँ मैं आज वीडियो देख करके. गाना रिलीज़ हो रहा है कल, तो मतलब जाहिर नहीं कर पाऊँगा कितनी खुशी है. और इसके बाद रिजल्ट आएगा वो देखते हैं आगे का. सर आपसे लास्टली जानना चाहूँगा कि इसके बाद और क्या होने वाला है. जैसे गुरमीत जी ने कहा कि दो फिल्में भी आ रही है, थोड़ा सा बताइए कि नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट है आपका. ये मेरे लिए सवाल है. हाँ जी सर. हाँ सॉरी, बिकॉज मैं आपको देख नहीं रहा था उसलिए. हाँ सॉरी, लास्ट लाइन बोल दीजिए ना. सर नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है इसके बाद. देखिए मैंने मैंने जैसे कि कहा कि मैं कोरियोग्राफर भी हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ, मैं एज अ म्यूज़िक वीडियो डायरेक्टर भी काम करता हूँ, एज अ टीवी कमर्शियल डायरेक्टर भी काम करता हूँ. तो डे आफ्टर टुमारो आई एम शूटिंग वन मोर म्यूज़िक वीडियो विच इज़ गोइंग टू बी अगेन अनदर लेवल म्यूज़िक वीडियो. जैसे आपने लखनऊ हिला दे में, तू लखनऊ हिला दे में देखा कि अंदाज है, डांसिंग है, तो अभी जो मैं म्यूज़िक वीडियो शूट कर रहा हूँ वो रोमांटिक गाना है.